बात होता है, प्लीज सहयोग करें। हम तो सहयोग कर रहे हैं मंत्री, समय का अभाव है जी, उनको भी है। समरजीत सिंह जी, समय आपका चालू हो रहा है। सभापति महोदय, डिमांड 39-40 पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। डिमांड्स पे चर्चा हम करते हैं इसलिए, और सरकार भी डिमांड पे हमारे से समर्थन ने या मांग पास कराने आती है। किस लिए आती है कि जनहित के जो कार्य हैं, जनहित के जो आपके सुझाव हैं या जो स्कीमें आप लेके आए हैं, उन्हें सदन के मार्फत पास कराया जाए, और हम लोग भी अपने विचार कटौती प्रस्ताव के मार्फत और सभी तरह से डिस्कशन के मार्फत देना चाहते हैं, ताकि सरकार उन पे अमल करे, विचार करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो ये डबल इंजन की सरकार की बातें आजकल पूरे देश में चलती है और राजस्थान में विशेष तौर पे चलती है, राजस्थान को आपका, राजस्थान का और केंद्र का फायदा मिले बजट के द्वारा। पर जब बचपन से हम डबल इंजन कब लगता था आपको ध्यान है सभापति महोदय? हम बचपन से देखते थे जब एक इंजन फेल हो जाता था तो पीछे डबल इंजन लगाया जाता था, ताकि वो मालगाड़ी या जो भी गाड़ी आगे खिसक सके। तो हमारा तो अनुभव ये है, फिर भी आप समझते हैं कि दो इंजन लगाने से ताकत आएगी, तो अच्छा है, लगाइए और इसको चलाइए। और 5 साल आपके पास है, इसमें हम पॉजिटिव डिस्कशन के साथ, अच्छे सुझावों के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जिम्मेवारी हाउस की है, इसको चलाने की जिम्मेवारी सरकार की ज़्यादा होती है। आप लोगों को हमारे सुझाव लेने चाहिए, उनको आगे अमल में लाने चाहिए। आज चर्चा में अनुभवी धारीवाल साहब, कृपलानी जी, सभी ने अपनी बातें कही जिन्होंने लोकल बॉडीज को संभाल रखा है। और एक बात सामने आई, काफ़ी हीटेड डिस्कशन भी हुए कि पट्टे गलत दे दिए, सही दे दिए। मैं धारीवाल साहब से सहमत हूं कि जो काम करेगा उससे गलत और सही भी होगा, और गलत है तो आप उस पर फैसला करिए। अगर आप काम को लेके ही बैठ जाओगे तो राजस्थान की जनता का विकास कैसे होगा? मुझे एक उदाहरण अभी बैठे बैठे याद आ रहा था कि कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट पे आतंकवादी हमला हुआ था, और उस हमले के दरमियान एक बात बार आई सामने कि सीसीटीवी कैमरे की फाइल कागजों में दबी हुई पड़ी रही, और किस लिए पड़ी रही कि कोई अधिकारी उस पर निर्णय नहीं करना चाहता था, रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, इस राजस्थान का विकास करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, तो जोखिम उठाइए, फैसला कीजिए, अधिकारियों को भी छूट दीजिए और जनप्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल करिए। मैंने देखा है, अभी गोपाल जी भी कह रहे थे फ्लाईओवर की बात, जोधपुर में बाबू सिंह जी नहीं बैठे हैं, बीजेएस में भी फ्लाईओवर बना, बिना सोचे समझे बन जाते हैं। एच बना दिया जोधपुर के अंदर, वो उतरेगा कहाँ और जाएगा कहाँ ये पता नहीं चलता है, दिखने को तो बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है पर अंदर जाते हुए सकड़ी गलियों के अंदर घुसना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस तरह के फैसलों में खाली अधिकारियों की और मंत्री की नहीं, सारे जनप्रतिनिधि जो उस इलाके से जीत के आते हैं उनके सुझाव लेने चाहिए और क्रिएटिव उस पर डिसीजन होना चाहिए। आज भी आपने इस बजट में भी काफ़ी बातें की है, कई फ्लाईओवर्स की बात की है, एलिवेटेड रोड्स की बात की है, जो वक्त की ज़रूरत है और हमें इनको बनाना चाहिए। पर मेरा जोर दे के कहना है कि जो MPs हैं, MLAs हैं, वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप सुझाव लीजिए और फिर फैसला कीजिए, ताकि वो फैसले सही होंगे। और जनप्रतिनिधि जो सड़कों पे धूल फांकते हम आते हैं ना 20-25-30 साल से, वो जनता का अनुभव होता है, जनता की सलाह होती है, और उस सलाह से अगर काम होंगे तो इस तरह के गलत फैसले कभी नहीं होंगे। मेरा आपसे कहना है कि वैसे तो UDH में ग्रामीण परिवेश से मंत्री जी आ रहे हैं और पहली बार इस तरह से होता है, और गांव से शहरों की तरफ पलायन भी होता है, तो लोग किस उम्मीद से आते हैं कि हम शहर में जाएंगे, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइट होगी, बिजली होगी, पानी होगा, और वही सुविधाएं हम अगर उपलब्ध नहीं करा पाते तो इसमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रह जाएगी। और उसके लिए पुनः मैं कहूँगा कि फिर जनप्रतिनिधियों की सलाह होनी चाहिए। आज हम देखते हैं
नगर पालिकाएं की मीटिंगें बुलाई नहीं जाती, आपकी जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाती। कांग्रेस सरकार ने डायरेक्ट इलेक्शन किए थे, आप लोगों ने वापस उसको पुरानी प्रथा पे आए हैं, चलो कोई बात नहीं। परंतु जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उनको भी आपको एक ताकत देनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि स्थानीय निकायों को अधिकार नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ईओ का एसीआर बढ़ने का भी, मूल्यांकन करने का भी चेयरमैन को पावर दिया जाना चाहिए, ताकि कुछ तो ताकत उसका वजूद तो रहे, वरना उसकी कोई पूछ ही नहीं होती है। इसी तरह से कई फाइलें हैं, फार्म हाउस की है वगैरह, सारी फाइलें भू परिवर्तन के लिए जयपुर आती है। क्या हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं कर सकते कि लोकल बॉडीज के वो नीचे के स्तर पे भी इनका समय भी बचत हो, लोगों की फाइलें अटके भी नहीं, और गलत फैसला होगा तो उसकी रिव्यू हो सकता है ऊपर। ये मेरा आपको सुझाव है। निकाय स्तर पे आपने ईओज को अनलिमिटेड पावर दे दिए, चेयरमैन उसमें है ही नहीं, परचेज के पावर वगैरह, आपको इस चीज को भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। लोकल बॉडीज के डायरेक्टर के, जो मैंने आपको निवेदन किया है कि डिसेंट्रलाइज करके नीचे तक पावर देना चाहिए। आपके मास्टर प्लान, हमारे यहाँ भिनमाल में मास्टर प्लान का पिछले साल से चल रहा है, और अभी जो मास्टर प्लान इन्होंने तैयार किया है उसको पिछले जो था उसका कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसके अंदर भी सबसे बड़ी चीज क्या चल रही है कि उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो सीधा एसटीपी जोधपुर के पास संबंधित जगह के लोगों को बुलाया जाता है, और उसमें क्या नहीं होता है वो आप और हम सब जानते हैं, उसके बाद में उससे चेंजेस हो रहे हैं। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना चाहिए सरकार को। भिनमाल के मास्टर प्लान की पुनः जांच करके जो कॉलोनीज पहले से रेगुलराइज हो चुकी है उनको पैरे फेरी से बाहर रख दिया। अब इसमें इंटेंशन क्या है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये नगर पालिका में स्वायत्त शासन विभाग में जिस तरह का चल रहा है इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मास्टर प्लान में मेरी मांग है कि भिनमाल बहुत कंजेस्टेड सिटी हो गई, पिछली सरकार ने तो वहां फ्लाईओवर बना दिया, पर जसंतपुरा रोड है हमारे यहाँ, वहां रेलवे है बीच बीच शहर के अंदर, वहां अंडरब्रिज बने, रिंग रोड बने, ताकि जो बाहर का ट्रैफिक है वो सब निकल जाए। एक सबसे बड़ी चीज है, नगर पालिकाओं से लैंड अलॉट किए जाते हैं अस्पतालों के लिए, सिनेमा हॉलों के लिए। भिनमाल में तो बहुत पहले एक सिनेमा हॉल के लिए मंत्री जी जमीन अलॉट हुई, मैंने तो अभी तक वहाँ सिनेमा हॉल देखा नहीं, सुना है कि उसको कॉमर्शियल पर्पज के लिए बेच दिया गया। इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। स्टेडियम, बहुत ही सुंदर स्टेडियम 1980 में वहाँ बना, क्रिकेट स्टेडियम, रणजी ट्रॉफी मैच भी हुआ, एक सेठ ने बॉम्बे से उसमें पैसा लगाया, अब वो सेठ साहब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका अनुबंध भी खत्म हो गया। मेरा सुझाव है कि उसको नगर पालिका को सुपुर्द कर, कमिटी बनाकर, ताकि हम विधायक कोष से भी उसमें पैसा दे सकें, उसका विकास कर सकें, युवाओं को उसका फायदा मिल सके। इस तरह के जो अलॉटमेंट है हॉस्पिटलों को दिए गए, ये हॉस्पिटलों को, इतने हॉस्पिटलों को अलॉट कर दी गई लैंड, आपको कुछ तो गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें होना चाहिए ताकि आम जन को उससे सुविधा मिल सके। एक और जो आज पानी की लाइनें बिछ रही है उससे पूरे शहर को खोद दिया गया है, और अब दो विभागों के बीच में वो सड़कें टूटी पड़ी है, ये कहा जाता है कि वो खत्म ही कर रहा हूँ ये कहा जाता है कि वो ठेकेदार ठीक करेगा या वो विभाग ठीक करेगा। इस चीज का भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि जनता का क्या कसूर है? जनता को तो आपको सुविधाएं देनी चाहिए, और रोडें ठीक हो, बिजली पानी सब ठीक हो। मंत्री जी बाहर थे, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको अंत में कि आप ग्रामीण परिवेश से आए, एक सौभाग्य है कि शहरों का भी सुधारने का अवसर है, और आप ऐसी सुविधा दें ताकि लोग इन शहरों में जाके रहें, एक अच्छे वातावरण में रहें, उन्हें भी लगे कि जो आपके नारा है आजकल स्वच्छ भारत का, वो वास्तव में स्वच्छ दिखे, ये मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,
मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन, मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर चर्चा है। मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद।